खेसारी और अक्षरा जब भी स्टेज पर एक साथ आते हैं भाई, ये पूरे कंप्लीट पैकेज के रूप में आते हैं। देखना भोजपुरिया दर्शकों के लिए किसी ईद और दिवाली से कम थोड़ी हो। आपको बता दें कि चाहे ये फिल्मों में हो, चाहे ये स्टेज शो पर हो, चाहे वो सिंगल एल्बम में ही क्यों ना हो, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत करते हैं। खैर, हम आपको जिस स्टेज शो की बात करने वाले हैं, ये लॉकडाउन से ठीक पहले था, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी बातें हुई जिसे आपको बताना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए कि खेसारी का दिल आज भी अक्षरा के लिए उतना ही धड़कता है जितना पहले धड़कता था। आज भी अक्षरा पर खेसारी उतना ही मरते हैं जितना पहले मरते थे। भले ही खेसारी के पास काजल राघवानी रहे तो क्या हुआ, लेकिन अगर अक्षरा सिंह वहाँ खड़ी हैं तो भाई खेसारी लाल यादव काजल राघवानी तक को भूल जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि इस स्टेज शो में काजल राघवानी उनके साथ न होकर शुभी शर्मा थी। वैसे भी काजल और अक्षरा को एक स्टेज पर लाना भाई खाने की बात नहीं है, ये शायद खेसारी ही कर सकते हैं, लेकिन ये करना बड़ा ही नामुमकिन है, क्योंकि दोनों को खुश कर पाना तो नामुमकिन है। खैर, हम आपको बताते हैं कि इस स्टेज शो के बारे में हमने आपको क्यों बताया। आपको ये बता दें कि जब स्टेज शो पर अक्षरा और खेसारी दोनों बुलाए गए, भाई जैसे ही खेसारी ने अक्षरा को देखा, उन्हें अपना पुराना प्यार याद आ गया। अब यहाँ खेसारी अक्षरा से इशारों इशारों में ही सही, लेकिन पुरानी बातें को याद दिलाने लगे, तो अक्षरा सिंह ने भाई उन्हें इशारों ही इशारों में इनकार किया। लेकिन भाई अब इश्क और मुश्क छुपाए छुपता है। खेसारी लाल यादव हैं कि रुकने का नाम ही न ले रहे थे। अक्षरा जानती थी कि आगे माहौल क्या होगा, या फिर खेसारी और चंदा में झगड़ा होगा, या फिर उनकी किरकिरी होगी, क्योंकि पवन सिंह की वजह से तो अक्षरा की ऑलरेडी किरकिरी काफ़ी हो चुकी थी। वो वक्त की नज़ाकत को समझते हुए खेसारी के साथ उनके सुर में सुर तो मिलाने लगी, लेकिन समय समय पर खेसारी को ये याद दिला रही थी कि भाई आप ये सब कुछ हरकतें ना करें। लेकिन वो कहते हैं ना कि खेसारी लाल यादव हैं भाई। अब आपको तो पता ही है, जब खेसारी लाल यादव ने बिग बॉस के घर में जाकर अपने पहले प्यार का इजहार लोगों से किया कि हाँ वो अक्षरा को कितना प्यार करते थे, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि अक्षरा को लेकर वो कितना सीरियस हैं। वैसे अक्षरा सिंह को लेकर आज भी खेसारी और चंदा यादव में बिल्कुल भी पटरी नहीं खाती। चंदा यादव आज भी अक्षरा के नाम से चिढ़ जाती हैं। तभी तो पवन से ब्रेकअप के बावजूद भी अक्षरा सिंह के साथ में काम करने के नाम पर भी खेसारी लाल यादव ने अभी तक हामी तक नहीं भरी है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।